शहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज कोविड L1 JP हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान में भर्ती कोरोना मरीजों के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए वार्डो में भर्ती मरीजों से इंटरकॉम के माध्यम से बात की। हेलो, मैं जिलाधिकारी बोल रहा हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मैं जिलाधिकारी डीएम गुलन सर बोल रहा हूँ, आपका हाल चाल लेने के लिए फोन किया। अच्छा, मैं नीचे आके आप लोग से बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर खाना मिल रहा है समय पे, साफ सफाई कैसा है, दवाई मिल रहा है कि नहीं, डॉक्टर विजिट करने आते हैं कि नहीं। अभी तो सब ठीक है सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी सारा ठीक है। बेडशीट कब चेंज किया गया है लास्ट टाइम? कल चेंज हुआ सर। कल? अच्छा, और साफ सफाई कब हुई है लास्ट टाइम? कल ही हुई। कल हुई, आज नहीं हुई है? नहीं, आज सुबह भी हुई है। अच्छा, आज सुबह भी हुई है। और ब्रेकफास्ट कितने बजे मिला है? ब्रेकफास्ट 9 बजे है। अच्छा, 9 बजे है। आपको चाहिए कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे, अच्छा ठीक है। और डॉक्टर विजिट भी आते हैं? आते हैं। पहले आते थे? पहले भी आते थे और अभी भी आ रहे हैं, सुबह में भी आए और कल रात भी आए थे। अच्छा अच्छा नहीं तो फर्स्ट फ्लोर से हमने कल बात किया था किसी से, उन्होंने बोला था कि डॉक्टर नहीं आते हैं। कितने लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पे? डीएम ने हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमित मरीजों से इंटरकॉम से वार्ता करते हुए उन्हें दिए जा रहे खाने, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, वार्डों में साफ सफाई और डॉक्टरों द्वारा उन्हें उपचार दिए जाने के संबंध में जानकारी ली। कोरोना मरीजों द्वारा हॉस्पिटल की ओर से दी जा रही सेवाओं और उपचार के संबंध में संतोष व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। बीते गुरुवार को जनपद में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बुलंदशहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 102 तक पहुंच गया। इनमें 61 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जनपद में अब कुल 39 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर L1 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में घोषित हॉटस्पॉट का भी निरीक्षण खुद जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। बुलंदशहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं जैसे मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, दूध और फल सब्जी की दुकानें आदि की ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश यूपी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।